छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश मुरैना में समारोह का आयोजन हुआ। इस सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि मुगल आक्रांताओं के साम्राज्य के समय किसी भी राजा ने मुगलों से देश और देश के किसी भी राज्य को मुक्त कराने का साहस नहीं किया था, बल्कि आम जन में ये भाव आना समाप्त हो चुका था कि अब मुगलों से कभी मुक्ति मिलेगी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल मुगल साम्राज्य का विरोध किया, बल्कि आम जन के अंदर ये विश्वास पैदा किया कि हम मुगलों से लड़ेंगे भी और मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य शेख दिवस को 350 साल पूर्ण होने पर हिंदवी स्वराज समिति पूरे देश में एक वर्ष तक लगातार विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जहां चल समारोह में बड़ी संख्या में शहर के नागरिकों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। इस पर हिंदवी स्वराज समिति के सचिव श्याम मोहन डंडौतिया ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हिंदवी स्वराज समिति जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 वर्ष पूरे होने पर वर्ष वर्ष कार्यक्रमों का आयोजित करेगी, यह कार्यक्रम न केवल मुरैना में बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में आयोजित किए जाएंगे। इन छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज स्थापना दिवस के 350 वर्ष के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रम पूरे वर्ष भर आयोजित कर लोगों को यह बताया जाएगा, आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान दिया जाएगा कि मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह देश पर संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का और हिंदू सनातन को नष्ट करने का काम किया था, उस समय आम जन में यह विचार पैदा मन में एक भाव बन गया था कि अब जो है यह देश मुगल आक्रांताओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने न केवल मुगलों का विरोध किया, बल्कि मुगलों को यह आम जन को यह बता दिया कि एकमात्र राजा ऐसे हैं जो पुनः देश को अखंड करा सकते हैं, पुनः देश को मुगलों से मुक्त करा सकते हैं और पुनः इस देश में सनातन संस्कृति की स्थापना कर रामराज्य लाने में सक्षम है। आज उन्हीं सब बातों को स्मरण दिलाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है 350वीं वर्ष के दौरान, और यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, महिलाओं में और बच्चों में, अलग अलग स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचकर पूरे साल भर चलेगा। वहीं विभाग संयोजिका दुर्गा वाहिनी से डॉक्टर रचना चौहान ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। आज जो यात्रा निकाली गई है शिवाजी महाराज की 350वां जो वर्ष है स्वराज दिवस, उसको मनाने के हेतु निकाली गई है, जो कि आप सभी ने देखा होगा, आपके कैमरों में कैद भी हुआ होगा। एक विशाल जन समूह एकत्रित हुआ था, जो हिंदुत्व की पहचान है, सभी हिंदू समाज एकत्रित किया जा रहा है इसके माध्यम से। और जो शिवाजी महाराज ने सुराज से स्वराज तक की यात्रा की, जो सुशासन स्थापित किया, जो किसान भाइयों के लिए सहयोग किया, जो उन्होंने अपने जमाने में भवन निर्माण के कार्य करवाए, शिल्पकार और जो भी उन्होंने अपने दौर में अनूठे कार्य किए थे, उन सबको एक पहचान दिलाने के लिए समाज में शिवाजी महाराज का एक प्रतिबिंब, एक स्वरूप तैयार किया गया है, जो रैली में रखकर चल रहा था। और सभी हिंदुत्व को मानने वाले, जानने वाले लोग इसमें शामिल थे। मातृशक्ति की ओर से लगभग 70 की संख्या थी, बाकी भाइयों की ओर से लगभग 500 की संख्या थी, इससे ज्यादा जन सैलाब था। भाजपा नेता राकेश रुस्तम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। छत्रपति शिवाजी जी को 350 वर्ष आज पूरे हुए हैं, आज के दिन उनका अभिषेक हुआ था 350 वर्ष पूर्व, और उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, उसी को याद कर ये यात्रा निकाली गई है, और इसमें सभी हिंदू सनातनी लोगों ने भाग लिया है, सबने मिलजुल कर इसका आयोजन किया है, और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही अच्छा दिन है। और इसी के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि फिर से हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो, अखंड भारत की स्थापना। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका जननेता भी है यहाँ के, यहाँ क्षेत्र, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि हमें फिर से अखंड। फिलहाल आपको बता दें, रिपोर्ट मुरैना से संतोष शर्मा ने भेजी है।